हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। सुबह का टाइम हो चुका है भाई, जैसा कि हमारा रोजाना का रूटीन होता है तो बच्चे जाएंगे स्कूल में। आज है मंडे, मंडे को हमारा तो फास्ट होता है हस्बैंड वाइफ का, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए क्या बनाया जाए। तो इनको आलू के पराठे ज्यादा पसंद, तो मैंने सोचा चलो पराठे बना देते हैं, तो सब्जी की भी नीड नहीं रहेगी, तो इनके पराठे मैं बना दूंगी अभी। और रुद्रा को दूध मैंने इनको पहले दे दिया था, बट थोड़ी देर भी रुक जाते हैं ना तो मलाई आ जाए, तो मेरे बच्चे कोई से भी मलाई का दूध नहीं पीते हैं, दूध को छान के देना पड़ता है। अभी रुद्रा अपना वापस से छनवाने के लिए आया था और देवांश अपना पीने लग रहा है, वो रुद्रा भी फ्रेश हो के आया था। तो भाई अभी कर लेते हैं पराठों की तैयारी। यहाँ पे मैंने सुबह ही आलू बॉयल करने के लिए दे, और जैसे आपको दिख रहा है सिर्फ दो तीन आलू ही मैंने बॉईल किए थे, क्योंकि इनके लिए इतना इनफ था और ये भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी बच जाएंगे, एक एक ही पराठा लेके जाएंगे आज ये, क्योंकि इनको फिर फ्रूट लंच हो जाता है और बोलते हैं मम्मा हैवी हो जाता है आलू का पराठा, तो एक ही दिया करो। तो अभी सारा मिक्सचर मैंने रेडी कर दिया, मिक्सचर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, आप सबको पता है क्या क्या डालती हूँ, सिंपल सा अपना। तो मिक्सचर हो गया रेडी, अभी सारे कचरे को डाल देते हैं डस्टबिन में और फिर बना देते हैं बच्चों के पराठे। ठीक है, और अभी पराठे बनाने के बाद में फिर करेंगे देवांश को रेडी, क्योंकि आज है कोई स्पेशल डे एक्टिविटी इसकी ईवीएस की, तो उसके लिए हमें रेडी करना पड़ेगा। क्योंकि और यूनिफॉर्म तो हमने मंगवा ही ली थी, एक्चुअली चीना के पास रखी हुई थी, तो कल वो आई पूरा सेट करके गई साइज वाइज के अकॉर्डिंग इसके देवांश के, और वो यूनिफॉर्म है किस चीज़ की वो आपको आगे पता चल जाएगा। और लग भी बड़ा प्यारा रहा था देवांश, तो अभी इसको अभी बच्चे दूध वूध पी रहे हैं, फिर मैं पराठे बना देती हूँ, उसके बाद रेडी करेंगे, और रेडी करने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी भी बीच बीच में आपको कि कैसा लग रहा है। और ये देखो कितना फूला फूला पराठा बन रहा है, किस किस के पराठे ऐसे ही फूल जाते हैं, आलू के पराठे देखो कितना क्रिस्पी यम्मी लग रहा है ना देखने में। चलो देखो भाई, देवांश की यूनिफॉर्म दिखा ना, देखो बोलो डायलॉग बोलना, आ उधर जाओ, आगे इधर जाओ, आगे मेरे साथ उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ भाई, मैं आगे आगे इधर आओ, आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ठीक है, एक बार दिखाओ पूरी, पूरा पूरा दिखाओ, दिखा ना भाई पूरा दिखाओ इसका, अरे फोटो भी तो लेके आऊं मैं। देखे गाइस, ये उनके सिपाही है जो साहब रहते हैं, असली पुलिसमैन मत समझना। चलो तो ये तो हो गया रेडी, आपने अपने सारा सामान रख लिया? हाँ मम्मा। ठीक है, मुझ की कमी है? अच्छा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आज नहीं, आपका हैप्पी बर्थडे आने वाला है बस दो दिन और, फिर देवांश का रुद्र का हैप्पी बर्थडे वो भी सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। पर मेरे लिए सब कुछ बेकार है, मेरा इस घर में सबसे लास्ट बर्थडे आता है। हाँ भाई, सबसे लास्ट में इसका आता है ना, तो कोई बात नहीं, चलो अब अभी अपना बैग उठाओ और चलो फटाफट से जाओ, बाय बाय। और मम्मा पहुंच गया, तीन तीन दिन उनका ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। किसका? बाबा का। बाबा का तीन दिन कैसे होता है? फरवरी नहीं, जून में आता है बाबा का बर्थडे शायद। हाँ, हम तो फिर वहाँ पे रहते हैं, मामा के रहते हैं जब बाबा का बर्थडे रहता है तब, तो है ना। चलो बैग लो और फटाफट जाओ, बाय, मैं भी काम वाम कर लूँ अपना। हाँ, होगी तब चाय कॉफी सब रेडी मिलेगी, जाओ और कैप गिरा मत देना, कोई भी चीज मिस मत कर देना, लेके आनी है सारी चीज और चेंज कर लियो, ठीक है, जब हो जाए ना खत्म तो चेंज कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई वैसे तो हमने व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह ही कर दी थी, उल्टी है, और आपको एक चीज़ बताया कि उल्टा दुपट्टा उड़ने से ना सांस मर जाती है, तो किसी को अपनी मार नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो मजाक कर रही थी इसलिए मैं अपना सीधा कर लूँ, पहले कभी मेरी मर्जी है पहले ना, मेरी तो सीधी है। ठीक है भाई, तो अभी आज मेरा फास्ट है, क्योंकि आज है, मैं तो सोच रही थी कि जो लास्ट वाला गया था ना
वो सोमवार का लास्ट मंडे है, बट आज लास्ट मंडे है और आज हो गया उद्यापन। उद्यापन में कुछ नहीं, बस फ्रूट्स वगैरह दे के आए थे मंदिर में और अपना जलवल चढ़ाए थे, तो ऐसे ही उद्यापन होता था। मैंने वहाँ पे देखा सब ऐसे ही करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक, हाँ भाई, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि रक्षाबंधन कब का है ना। कोई 30th को मना रहा है, कोई 31 को मना रहा है, तो एक बार सारे के सारे आप भी अपनी तरफ से बताना कि कौन सा मना रहे हो आप लोग भी। बाकी हमारा तो अभी कोई भी कन्फर्म नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों ही चीज़ें आ रही हैं कि उसको भी मनाओ उसको भी मनाओ, अब नाम ही जाने क्या चक्कर है। तो इसका भी, इसकी भी बहुत भारी दिक्कत हो रही है। और चलो जब भी होएगा, आज तो कुछ तैयारियां नहीं हो पाएगी, कल से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे जाने के लिए भी, चाहे वेडनेसडे को जाना हो चाहे थर्सडे को जाना हो, जाना तो है ही। और भाई हमारी मम्मी तो आज चली गई, मतलब वो वाली मम्मी, ये वाली मम्मी नहीं जाती हैं, वो वाली मम्मी चली गई है मामा के, और बड़ी खुश हो रही थी रात को कि मैं तो जाऊंगी। इतना चाव था, मतलब बैग पैक करके रख लिया रात को ही। हमेशा ऐसे ही करती हैं जब भी मामा के जाना होता है ना, तो जब हम छोटे थे ना तब भी यूं ही करती थी कि रात को ना सोती थी, मतलब बैग पैक कर लेती थी, और सुबह भी बहुत जल्दी उठ जाती थी और सारा काम करके फटाफट फटाफट अपने घर जाती थी। तो सच में मतलब पियर का लगी चाव होता है, सबको ही होता होगा ऐसा, है ना। सिर्फ जैसे मैं पैकिंग एक हफ्ते पहले करना शुरू करती हूँ और लास्ट टाइम तक भी मेरा कुछ ना कुछ जरूर छूटता है, जरूर। ठीक है, तो ऐसा ही होता, अपने घर जाने की खुशी ऐसी होती है। तो अभी चलो भाई, फास्ट है तो व्रत कर, सॉरी चाय बना लेते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया भाई, पहले पानी पीऊँगी फिर चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, आपको भी पता है। तो चाय पी लेते हैं और बनाएंगे चाय अभी, और फिर देखो मम्मी को भी बुला लेती हूँ। मम्मी ने वैसे पूजा पाठ कर लिया, अभी मुझे मिली थी, मैं कूड़ा डालने गई था, तो फिर हम पियेंगे सास बहू दोनों चाय। मम्मी सूट देखो भाई, आज तो ग्रीन ही ग्रीन हो रही है थी पूरी। हाँ ये दो लेकर आई थी, एक मेरे एक जीजी को, फिर जीजी ने ना सिलवाया, सिलवा लियो। अच्छा तो फिर हमने कैंसिल कर दियो, क्योंकि मुन्ने भाई बाहर ही लेना, तो इसलिए कोई ना नया अच्छा लग रहा है। फिर से यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया कलर भी दाम है, नहीं सुधर लग रहा काई कलर। चाय होगी हमारी रेडी, ठंडी भी होगी, बल्कि ये भी पापा उठ लिया वहाँ पे, पापा लैट्रीन वर्टन आए उन आए तो हम चले गए। तो राखी कब की है? राखी ग्रह पंडित तो बता रहा है कि 31 तारीख के, और दुनिया 30 के बता रहे, पता नहीं कौन से मनाओगे कौन से ना मनाओगे। हम तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कब की मनेगी राम जाने। वो राखी तो मैं लगा ले कब की, रोज बांध रही। हाँ मम्मी भी गई आज, बस वो 30 को और 31 को ही है, बाकी पहली पीछे तो कदे बांध लो जी, मतलब पहली कभी भी। हाँ हमारी बाबी है दो, वही की भाई नारायण अर की बहू, दोनों बांध उनको गोद कुछ ऐसा रहा है ना, हाँ छठ बादी की, हाँ उनकी तब मन है, हाँ छठ बादी की मन है, भाभी अर की भी हमेशा तभी जावे, 15 दिन बाद जाएंगे। हाँ हाँ तभी बन है। अच्छी इन्हों बोली कि मैं ना 30 तारीख ने बंद हुई, यमन नु बोलो रावण के बंदी थी, जिस दिन भद्रा भद्रा जैसे बोल रहा है ना, अरे भद्रा कुछ भी नहीं, तो उन्होंने बोलो रावण के बंदी थी, मैं तो रावण ना बन तुषार, तुषार ने बोलो मेरे बांध ली मैं बन ली हूँ, बोलो वैसे भी तेरी बाण है भी सुपर्णखा जैसी। तो हमने भी चोरी कती वो कर रखी है, आप चढ़ाई ना, मैंने तो कही ना, मुन तो पता था आ भी ना हमारे मुन्ना मुन कही, मैं तो हूँ 200 रुपये चढ़ाई, मैं बाबा ही नहीं, तो अपनी चीज खा ली जो तेरे मन कर रहा है, हाँ ना मैं ना देखे, मैं तो पैसा ही लेगी, क्यों गई करूँ बिना काम में, इतना टाइम ही ना लगे बेचारा को, कहाँ थे गए मिर्च होगी सारी बन गई मिर्च, मेरे तो बन गए 2-3 डिब्बा का है, 1 डिब्बा और अगर 4 डिब्बा कर देते, 1 डिब्बा तो शायद मारे ऊपर रखे ट्यूशन वाले रूम में, मस्त बन रही थी, पर कभी बढ़िया
खट्टी सच में, मतलब ना देखने में भी इतनी अच्छी लग रही थी, चीकनी चीकनी सी और कती हरी गच सी। क्या को बटे प्रिया को, प्रिया को बटे हुआ। अच्छा ना सच में, मतलब देखने में इतनी टेस्टी लग रही। मुंह तो उस दिन आती रोटी बना के उस दिन तुरंत खाई, फिर रात ने फिर पापा ने भी खाई। मैंने इनकी पहले ही बनाई थी, मुझे आती पक्का गए मैं रोटी खाऊं मिर्च देखती गया। उनकल मम्मी तब बता दी, मैं आपकी चौधर ने मिर्च डाल दिया आपके इन बोली, क्यों मेरे सिर बाहर चढ़ाओ था, मुँह मार पैसा दे दिए। नो कह रही हाँ बस पैसा ले लिए तो सो घना ना देवे, देवेगी तो भाई 100 रुपये। नो कह जी जी नमक मिर्च को ना वो लगे वो फिर। हाँ वैसे तो भाई इतनी दो दो डब्बा भी जावे कोई सारी का पैसा ना देवे, बट कही थोड़ा सो ले लिया करो। और बेटी को ना खाई करे ना हमारी जमाई ना आते तो आजकल पहले वाली बात ना रहे, पर हां जो भाई ऐसा हो तो नू तेरे हाँ, बेटी का ना खाना कुछ। और ये तो यो के बोले पर तिल, तिल हां तिल नहीं कहां से कहीं का वो कहावत है ना कि के काला तिल चाप रखे है। हां हां सही बात है, हम जब लेके आए हैं ना अत डाणी थे तो हमेशा थोड़ा थोड़ा रुपया देखा हुआ, मतलब बाकी मम्मी देवेगी हम 10 10 20 20 सारे बाण देखा हुआ देना चाहिए। सही बात है, जो है वो तो देख जो बना रखे पहले बड़ा बुढ़ा तो अच्छी बात होगी ना। हाँ 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 सही बात है, वो है कहावत के ऊपर ही है। तो मम्मी आप तो ना जाओ मामा के, मम्मी मारी कभी ना जाओ, एक बार गई थी मामी पीछे गई थी ना हमारी छोटी मम्मी को, एक भाई रहे यहीं पे अपना अपना आप आ जाओ वो मार मामा भाई मार जाए अपना आप राउंड वे कोई नू ना है त्योहार भी आओगे वैसे आडे दिन भी आज है इनका तो दादा दादी पोते का पोता का मानता देख के जाए हमेशा जब ही तो वे जाने जो मामा पैसे देख के जाते हैं और मामा हर नहीं तो ना जाने सब तो मामा जाने क्योंकि आप हमेशा पैसा देख के जाए इन हाँ हमेशा देख के जाए जो पैसे देने वाले मामा है। हेलो एवरीवन, तो भाई टाइम हो गया 2:30 का टाइम हो गया और मैं तो सो भी ली और उठ भी चुकी हूँ, अभी काफी टाइम हो गया था। एक्चुअली वो कुछ रुद्र का आधार कार्ड वगैरह नहीं बना था ना, तो उसकी आधार कार्ड क्या उसका उसकी तो जन्म पत्री भी हमें हमने अभी तक निकलवाई नहीं थी, ठीक है। तो आज उसका पूरा कुछ करा इन्होंने, इनको बोला था तो इन्होंने किया, तो उसी चक्कर में जैसे फोन करके वो उसका फोटो भेजो वो चीज भेजो इस चक्कर में जल्दी उठ गई थी। तो अभी बस इनको दूध दे देते हैं और अपनी बनाऊंगी मैं चाय क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, और आलू बॉईल होने रख देती हूँ। फिर शाम को इतना टाइम नहीं मिलेगा ना कि बॉईल भी हो जाए क्योंकि इतना सब्र नहीं रहता, तो अभी बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद में फिर फटाफट से सब्जी बना देंगे और ये अपना अंदर बैठे हैं। तो इनको देना दूध, मैं अपनी चाय बनाऊंगी। जी जी भी आ रही है अपनी कुछ आईब्रोज वगैरह करवाने क्योंकि सब तैयारियां कर रहे, सबसे पीछे मैं ही हूँ, मैंने तो अपने कपड़े भी सिलेक्ट नहीं करे क्या पहन के जाना है क्या करना है सब कुछ। तो आज आएगी ना चीना तो दोनों मिलकर डिस्कस करके फिर देखेंगे क्या पहनना है क्योंकि कई सारी चीजें हैं, एक आदमी हो ना तो हो जाता है कि हाँ चल यही पहनना है, और जब कई चीजें होती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहने या फिर ये वाली पहने। तो शाम तक डिसाइड कर लेंगे, फिर उनको थोड़ा फिटिंग वगैरह में इशू होगा तो हो जाएगा, अगर सिलने वाला कुछ होगा तो सिल जाएगा क्योंकि कल का दिन है, अगर 30 को मनाएंगे तो भी, ठीक है। चलो अभी चाय बना लेते हैं, आलू बॉईल होने के लिए। ये अभी मिठाई मंगवाई थी इन्होंने फास्ट के लिए, हमारे यहीं पे बनती है ना तो इसलिए, तो इनकी रख देते हैं पूड़िया, इनके दूध मिठाई दे देते हैं और अपनी बोत रही है। मम्मी का नीचे भिजवाई दिया था दूसरा वाला डब्बा था, लो बंद कर लो। और देखो भाई किसी को ससुराल जाने कितनी ज्यादा खुशी हो, कभी मतलब कितना दिन हो लिया, कम से कम 10 दिन हो लिया और इतना भगवान सारे दिन पार्लर में बैठे रहे है ना, और एक मैं हूँ जो कितनी भी ना जाऊँ, हाँ जी जी, और एक ये मेरी जीजी है जने इतना चाह हो रहा घर जाने को कि दोनों जीजा साली हम बे दोनों जीजा, हाँ ना कोई नहीं इतना रहने दो, दोनों जीजा साली ने इतना ध्यान दे रखे है
अब बस अब इतना ग्लो करे जब भी सही कह रहा हूँ मम्मी उन्होंने कह रही संदीप आओगो मैं वो कैसे रुक सके आओगे मैं तो बेचारा डोल रहा है मेकअप शेकअप करवाता हमने भी आईब्रो ना बनवाई है तीन दिन हो लिया कदे यो करवा का हूँ कदे यो करवा का हूँ और वहीं बैठा है सलून भी बैठा रहे सारा दिन ठीक है भाई हाँ सही बात है और भाई जीजी तुम्हारे भाई की आई फेवरेट जीजी तो भाई धाम है प्रॉपर मनावेगी हाँ के रही फिर तीस की हुई है ये भी नहीं कह रहे नहीं कह रहे तीस की कह रहे हैं सब है ना ठीक है तो भाई हमारी हम तो मनाओगे 30 तारीख यानी कि कल परसों अच्छा कल है हाँ क्योंकि यहाँ सिलाई लाई ना तो फिटिंग विटिंग दिखाऊंगी अब तक पहले जाऊंगी ठीक है तो मैं रहेगी भाई मैं भी अपना कर लूँ तैयारी जी जी आने तो सबने कर ली और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में अभी चाय बना के और फिर चलो भाई टाइम हो गया 3:15 जी जी जा चुके या आलू अब आलू बॉईल होने रख देती हूँ तब तक फिर एक राउंड करवा के बच्चों का 3 बजे वालों को फ्री करके और फिर वो कर देंगे तब तक ये बॉयल हो जाएंगे है ना तो एक और फिर माँ के वहाँ से सब्जी बना दूँगी पहले क्या क्या सोए हैं कि मेरी सब्जी रेडी कर देना हमारा तो फाइनल हो गया 30 तारीख का रक्षाबंधन का ठीक है बाकी आप सभी कमेंट में बताना आप लोग कब की कर रहे हो 30 की कर रहे हो फिर 31 की कर रहे हो ठीक है समझ में नहीं आ रहा दो 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 महीने लग गई है ना तो इसलिए दोनों तो फिर दिखा जरा पास आना दिखाओ अरे वाह शक्ल तो नहीं मिलती तुम दोनों की कैसे कैसे पता चला तेरा भाई है वरुण नाम है इसका और राखी आज बांधी है तुमने इसको नहीं अबे ना जब बनाई इनको इनको बर्थडे ये तब नसा बनाई ये तब अच्छा इसका बर्थडे आएगा तब बांधेगी मेरा बर्थडे हो गया अच्छा बर्थडे हो गया तभी बांधी थी राखी नहीं इसका बर्थडे आ रहा है अच्छा इसका बर्थडे 30 तारीख को आ रहा है अच्छा तो तभी इसको राखी बांधेगी अच्छा ठीक है प्रज्ञा फिर कुछ नहीं अच्छा राखी कब मनाओगे 30 को 31 को 30 की मना रहे हो छुट्टी कब की है तुम लोगों की 30 की है हमारे भी तो लड़की 31 की है तुम्हारी है छुट्टी मेरी तो मैं डायरी देख लेना हाँ डायरी देख लेंगे डायरी मिल जाएगी ठीक है डायरी नहीं है तो फिर चुहान चौहान बोल रहा चुहान चौहान ठीक है वरुण चौहान चलो ठीक है ये नए बच्चे हैं भाई चलो भाई हम ट्यूशन वाले रूम में से और अब बनाएंगे सब्जी टाइम हो गया है 5:30 को इन्होंने दिया था तो बच्चों को काम दे दिया फिर जब तक मैं सब्जी छोकूंगी तब तक एडजस्ट कर लेंगे और फिर वैसे चीना भी है वहाँ पे तो मैं पहले सब्जी छोक दूँ फटाफट से इनके आलू हो गए थे बॉयल छील लेंगे टाइम सा लग जाएगा थोड़ा ठीक है
आज आ गए हम वाटिका में। सही है, तो खुल्लो मिले जो तो सही है ना। देखो अच्छा, यहाँ तो सब बच्चे बच्चे सब है। ये पार्किंग एरिया है, उधर वर्टिका अंदर। इंधन? हाँ, किसी पे फूल आ रहा है, किसी पे ना। सब बैठा है सब। अच्छा, सारा बाल भूलक सभी तो यहीं पे आवे। कोई ना बेरो। उस दिन जब पहले दिन आए थे तब तो इतना नहीं था, उस दिन तो हम ही थे, अब तो सब बैठे हैं। सही है वैसे। अच्छा, ये पत्तल का डब्बा, मैं ये पत्तल का डब्बा बॉक्स में बोतल ने तो उतार दो बोतल तो मेरी फेर गई। अब आओ, भाग भाग भाग, शाबाश, वहां जा भैया के पास। बस पहुंच गया, ये बीट लिया। एकदम बढ़िया हुई है, सारे के सारे बैठे और एंजॉय कर रहे, बच्चे भी, हम भी है। बोलो, हाँ, वन टू थ्री गो, आ जा, भागो 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 भागो, शाबाश, हाँ 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 हाँ, आ जा आ जा आ जा, हार गया रुद्र, हार गया, वेरी गुड, ये जीत गया, चैलेंज कर रहा है रुद्र किसी बच्चे को, वैसे हार गया, आएगा। अरे देखो मम्मी कॉपी कर रही है, हाथ हटा हाथ हटा, माजी की तरह हाथ हटा ना, बोतल से हाथ हटा, तभी तो मानी जाएगी, तेरी माजी के तो सर पे बोतल थी बट हाथ नहीं था। ये देखो भाई, दोनों जुड़वा बच्ची है, सेम सेम बिल्कुल, पता नहीं मम्मी कैसे पहचानती होगी इनको। वापस आओ, वापस वापस, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, ये लेडीज की रेस। ये भाई दोनों के टक्कर का कंपटीशन है, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, मम्मी भागो 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 भागो, पीछे पीछे पीछे, हार गई, बोलेगा वन टू थ्री बोलेगा तब करियो, वन टू थ्री बोलेगा तब। चलो देवांश, एक साइड हो जाओ, एक साइड, ये शाबाश शाबाश, वापस 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 आ जाओ, रायगी जी जीत पीछे है। देखो बाल को हरा दो हरा दो, वापस 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 वापस, अब की बार आ रही, देख लो बड़ा तो नहीं, अरे बाल का तार गया, और के पूछ का बंदा रहा सारा। कैतरा होगी ऑरेंज, ये तो वैसे ही डंडा। अच्छा ये देखो भाई, ये किट लेके आई है, घूमने आई है अपनी, और ये फॉग सेंट है, ये फॉग सेंट है, और ये नेल पेंट, लिपस्टिक, किसका भाई है? नहीं जा बेटा, बस, और ये क्या है? ये किसकी लाइट? अच्छा, ये कार्तिक की, कार्तिक की लाइट, इसे चेंज कर लो, आई शैडो लगा लो, लगा एक आई शैडो। अच्छा तेरी बोलते नमित,
अब आप खावे रोटी, रोटी ना खाओ कती भी उस दिन वो ए पीछे रह गई बाल का है। वाह 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 भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह भाग दिवांश भाग रह गई पीछे चलो ले भाई ले चलो चलो भाई हम आ गए घर और आज की हमने रेस खूब सारी बच्चों के साथ भी आज तो मजे आ गए सच में खेल के बहुत दिनों के बाद ही मतलब बच्चों के साथ ऐसे खेले हैं पार्क में। और वैसे जब मैं स्कूल में टीचिंग करवाती थी ना तब तो खूब मस्ती करते थे और यहाँ आने के बाद में जैसे ऐसे कोई जगह नहीं थी ना हमारे इतने बच्चे थे तो आज बट बहुत ज़्यादा मजे आए सच में खूब भागे पहले घूमे फिर बच्चों के साथ मस्ती करी रेस लगवाई मम्मी हर की भी लगवाई मम्मी और वो जो मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह थी उन सब ने भी लगाई और वो आपने देख ही लिया है व्लॉग में। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो सारे बताना कमेंट में ठीक है बोल रहा है पीछे से उतरा ठीक है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो ठीक है। तो आप लोग भी सारे के सारे बताना आप लोगों ने कितना एंजॉय किया व्लॉग को देखने के बाद में और सारे के सारे कमेंट में बताना। और इस वीडियो के बाद ना मैं एक रियल जो चीज हुई है ना वो मैं फैक्ट है एक वो मैं क्लिप आई है छोटी सी मामा के वहां से बलैनी से मैंने आपको पूरब महादेव जी दिखाए थे तो वहां पे शिवलिंग था जो बिल्कुल सिंपल शिवलिंग होता है ना वैसा था बट आज जो सोमवार है उस दिन उन्होंने दर्शन दिए तो मतलब जिस तरह से ऐसा कुछ नहीं है वो खुद वहां से खींच के लाई हुई है मामा अर्गी ऐसा नहीं है कि किसी कैसे भी एडिट वेडिट करके कुछ भी खुद खींच के लाई हुई है। तो वो वाली क्लिप मैं ऐड करूंगी देखो विश्वास करने की तो है ना अपनी अपनी सोच है कि आप करते हो नहीं करते हो लेकिन मैं मुझे लगा कि वो चीज ऐड करनी चाहिए इसलिए मैं वो वाली क्लिप भी लास्ट में ऐड करूंगी। उसमें ना भगवान जी का फेस बना हुआ है पूरा आईज बनी है नोज और ये वाला पोर्शन इतना सा पूरा बना हुआ है शिवलिंग में ठीक है। और वैसे उसमें नहीं था क्योंकि हम जब अब मैं हम घूमने गए थे पूरा महादेव पर वाल्मीकि जी का मंदिर देख के आए तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था मैं खुद देख के आई थी ठीक है। और अभी वो दर्शन दिए उन्होंने तो इसीलिए बोला जाता है कि वो साक्षात खुद प्रकट हुए थे शिवलिंग ऐसा मतलब वो क्या बोलते उसको अरे कुछ बोलते तो है मतलब खुद नहीं लगाया गया था मीन्स उनका खुद प्रकट हुए थे वैसे नहीं लगाया गया था कुछ बनाया नहीं गया था ठीक है। तो ये चीज है और बाकी मम्मी से भी पूछवा देंगे कल जब दिन में आएगी मम्मी की कैसा क्या कुछ था उसका लेकिन भाई अगर मामा ने भेजा है और खुद अपने फोन से अगर उन्होंने बना के भेजा है तो इसलिए बोला कि भाभी ब्लॉग में जरूर डालना बच्चों ने भेजा है तो इसलिए मैं ये इसके बाद में वो वाली क्लिप जरूर ऐड करूंगी। तो सारे के सारे ओम नमः शिवाय लिख देना और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे तो आज के ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में ठीक है। तो आज व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर नए हो तो और बेल आइकन प्रेस कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल बाय बाय।